लास्ट क्लास में हमने लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने किस तरीके से एंगल्स के ऊपर 16-17 एंगल्स है उसके ऊपर आपने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। इस क्लास में मैं आप लोगों को डिग्री और रेडियन में थोड़ी बहुत कन्वर्जन बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी बताई थी आपको, मैंने बोला था कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। अब आप जहन में मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 30 को 180 से डिवाइड करोगे, उसके बाद रिजल्ट में पहुंचोगे। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 120 को रेडियन में चेंज करो, अब अगेन आप सोचोगे। और अगर मैं उल्टा बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 4π/3 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, अब आप लोग सोचोगे 4π/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल होगा, मतलब टाइम लग जाएगा आपको। और कितने दफा एमसीक्यूज में अगर सवाल आ रहे हैं, और अभी तो आप लोगों का स्टेज कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कितने दफा हमने स्ट्रेटेजी बनानी आगे की लाइफ की। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं करते कि अभी शॉर्टकट ढूंढ के अभी मैं किस तरह काम कर जाऊँ, बाद में देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना होता। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है कि यार जो मैं आज काम कर रहा हूँ ये मुझे फ्यूचर में भी इसका फायदा हो। जैसे आप लोग एजुकेशन आज हासिल कर रहे हो, इसमें फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, ना सिर्फ एजुकेशन का मकसद है पैसे कमाने। तो ये भी अलग एक साइड का टॉपिक है कि हम एजुकेशन को समझते हैं कि जॉब अच्छी मिल जाएगी, तो आप लोगों ने साथ साथ ये भी सोचना होता है कि आगे भी करना है। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद खत्म नहीं होगी आपकी एजुकेशन, आगे भी होगा। तो यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी आपको ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए होंगी, कितने दफा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो बेसिक सी बातें सीख लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कितने गवर्नमेंट के पेपर देखते हो, CSS हो गया, कोई भी आपके एग्जाम होते हैं जो कि प्रॉपर मैथ के अलावा भी होते हैं, उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है। तो ये वो मैथ का सेक्शन है जो हर टेस्ट में आ रहा होता है। अब वो चाहे इंजीनियरिंग का टेस्ट हो, चाहे वो किसी BBA BCAT जिसको बोलते हैं उसका टेस्ट हो, या कुछ सैट का टेस्ट हो, सैट का भी आप लोगों को पता होगा। इसी तरह गवर्नमेंट की आप कोई भी देख लो, FPSC या जो भी टेस्ट हो गवर्नमेंट के, CSS कर लो, जो भी है। कहने का मतलब ये कि ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन कहीं ना कहीं आया हुआ होता है, ये कॉमन सेक्शन है। बाकी अगर आप सेक्शन देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीक्वेंस सीरीज देखो, वो भी काफी कॉमन है। सेकेंड में आपको कुछ ऐसे सेक्शन मिलेंगे जो हर जगह नहीं आते, वो इंजीनियरिंग के अंदर ही आ रहे होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। तो करना हमें इस तरीके से कि जो मसला होता है ना ज्यादातर, वो 3 एंगल्स के ऊपर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पहले भी बताया था वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आप 90 डिग्री भी करना। इनके आपको रेडियन में एंगल याद होने चाहिए, बेहतर है याद कर लो, क्योंकि इतने कॉमन एंगल हैं, इतने कॉमन एंगल हैं। और इसमें खराबी कहाँ पे होती है, बिल्कुल अगर आपने कैलकुलेटर से निकालना है sin π/3, तो हमारा बच्चा इतना मासूम होता है, उस बेचारे को कुछ पता नहीं होता। वो करता है क्या, उसके कैलकुलेटर जो है वो डिग्री में होता है, छोटा सा डी आपको नजर आ रहा होगा अपने कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर होता है डिग्री के अंदर, एंगल वो पुट कर रहा होता है रेडियन के अंदर, वैल्यू का सत्यानाश हो जाता है। तो अब π/3 को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लग जाओगे कन्वर्ट करने, उससे बेहतर है कि चीजें याद कर लो और रट्टा मार लो इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और इसका रट्टा मारने का फायदा यह है कि वो 16-17 में से कोई भी एंगल आ जाएगा, आप आसानी से फॉरन कन्वर्ट करके बता दोगे। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है 4π/3 क्या होता है, मैं बोलूंगा 240 डिग्री, अगर कोई मुझे बोलेगा 5π/3 क्या होता है, मैं बोलूंगा 300 डिग्री, मुझे कैसे पता चल रहा है डायरेक्ट, तो वो सीख लो यहाँ पे। अच्छा, तो पहली तो आपने ये बात देखनी है कि अगर कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है तो एंगल भी आपका डिग्री के अंदर होना चाहिए, कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो एंगल भी आपका रेडियन के अंदर होना चाहिए, ये बेसिक बात आपको बताओ। उसके बाद आपने याद क्या करना है कि जो 30 डिग्री है ना, ये रेडियन के अंदर होता है π/6, 45 डिग्री होता है π/4, 60 डिग्री होता है π/3 और 90 डिग्री होता है π/2। इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप अगर थोड़ी सेंस देखो ना, आसानी से याद हो सकता है। पाई कितने डिग्री के बराबर होता है, 2π 360 होता है ना, 2π 360 डिग्री के बराबर है, तो पाई किसके बराबर होगा, 180 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 4 45 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 360, 180 डिवाइड बाई 290। तो याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बस अगर आपने याद, अब जीरो का तो आपको पता है, 0 डिग्री हो या 0 रेडियन हो, एक ही बात होती है, एंगल ही जीरो है आपका, उसको तो खैर याद भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बस आपने 4 याद कर लिए ना, अब आपके लिए काफी आसानी है। तो काफी आसानी का मतलब क्या है, आपने बस इसको इस तरह याद रखना है, ये तो 4 आपने याद कर लिए ना, अब आपको इस तरह आप मेनली ना इन पे फोकस करो, इन दो पे, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स होती है, लेकिन आप इन दो पे फोकस कर लो, 30 क्या होता है π/6, 45 क्या होता है π/4। अब मैं आपको जरा बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंगल आ गया 120, 135 कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग जरा कोई और बताओ बड़े एंगल, कोई भी बताओ मुझे।
जो डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, 180 180 बच्चों वाला है यार, चलो 180 ही कर लेते हैं शामिल। कोई और बताओ जल्दी से, इतने एंगल बनाए हैं, 135 135 बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है। ना पता नहीं क्या रिवीजन कर 138 करते हैं, 158 ये नहीं एंगल बता रहे होते। मैंने 16-17 एंगल आप लोगों को लिखवाए थे सेकंड लास्ट क्लास में, जैसे 225, 240 टाइप के एंगल में कह रहा था, वो बहुत पीछे जा रहे हो भाई। हर एंगल को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते इस तरह। मैं वो 16-17 एंगल्स की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली आप लोगों के पास आते हैं। चैप्टर नंबर 10 में भी आपने वही एंगल डील करने हैं, उन एंगल 16-17 एंगल जो मैंने आप लोगों को लास्ट लास्ट क्लास से बताए थे उन्हीं की बात होती है ज्यादातर। 158, 128, 121 इनकी बात नहीं होती, इनको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इजीली कन्वर्ट नहीं होते, अजीब अजीब सी फ्रैक्शन होगी। तो वो जो 16-17 स्पेशल एंगल्स से उनको आपने याद रखना है बच्चों, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, याद रख सकते हो कोई मसला नहीं है। आखिरी हम 300 चलो कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर आपने कन्वर्ट करना हो इसको रेडियन के अंदर आसानी से, तो फॉर एग्जाम्पल 120 है, देखो मैंने बताया था वो जो 16-17 एंगल्स है ना वो या तो 30 के टेबल में आते हैं या 45 के टेबल में आते हैं। 120 30 के टेबल में आता है, 34 जा 120, 135 जो है 45 के टेबल में आता है, 45 3 जा 135 होता है, 180 अगेन 30 के टेबल में आता है, ये तो 45 के टेबल में भी है, ये 45 के टेबल में, अगेन 30 के टेबल में, अगेन 30 के टेबल में। तो ये जितने जो 16-17 एंगल है वो या तो 30 के टेबल में आते हैं या 45 के टेबल में आते हैं। तो बिल्कुल अगर 120 कन्वर्ट करना है तो 120 का मतलब क्या है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यही है ना। तो 30 क्या होता है, 5 बाय 6, 4 बाय 6, ये देखो भाई 5 बाय 6 क्या होता है, 5 बाय 6 होता है 30 डिग्री। तो 5 बाय 6 को आपने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। देखते रहना इसको। 135 क्या होता है, 45 मल्टीप्लाई 3, 45 क्या है, 5 बाय 4, तो 5 बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मतलब 45 मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो 135 आ गए। 180 क्या होता है, 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 क्या होता है, 5 बाय 6, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 अपॉन 6 अगेन वो पाई के बराबर हो जाएगा जो मैंने बताया था, 180 पाई के बराबर होता है। तो 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 225 आता है, तो ये है 45 पाई बाय 4। 45 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4। इस तरह आप ऐसा बन रहे हैं कि भाई 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 45 क्या होता है, 5 बाय 4, 5 बाय 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो गया आपका एंगल। इसी तरह बिल्कुल 330 है। अब मुझे पता है 330 जो है वो 30 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 11 का क्या होता है, 330, तो 30 होता है 5 बाय 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 11 5 बाय 6 क्या हो जाएगा, 330 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर 300 डिग्री आ रहा है तो ये तो बड़ा इजी है, जब आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 300 आता है, तो 30 होता है 5 बाय 6, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 300 डिग्री। कुछ एंगल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे इसको आप लिख सकते हो 2 पाई बाय 3, इसको आप लिख सकते हो पाई, इसको आप लिख सकते हो 5 पाई बाय 3। कहने का मतलब बेसिक अगर आपको आते हैं तो अपने जहन में भी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ऐसा। तो ये वो तरीका है जिससे आप डिग्री से रेडियन में जाओगे, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आपके पास ये बस बेसिक आपको ये बातें याद रखनी है, पाई बाय 360 होता है, पाई बाय 445, पाई बाय 630, पाई बाय 290, एंड के दो याद रख लो, ये भी काफी काम के होते हैं आपके। अब अगर आपने उल्टा जाना है, बिल्कुल अगर आपके पास एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है और आपको डिग्री का बोला गया, तो कौन से एंगल रेडियन में गिवन होंगे मैं जरा आइडिया देता हूँ आपको। बिल्कुल अगर आपके पास लिखा हुआ हो 5 पाई बाय 3, अच्छा अगर लिखा हो 4 पाई बाय 3 कर लेते हैं, चलो फिर हम कर लेते हैं 7 पाई बाय 4, अच्छा जी फिर हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ये अगर सामने लिखे हुए आपके, ठीक है। तो अगर आप इन सब में गौर करो, कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, जैसे अगर आपको टेक्निक याद हो, आप इन नंबर्स को अलग ट्रीट करते थे, 5 बाय 6 को अलग और इस नंबर को अलग ट्रीट करते थे, वही काम करो यहाँ पे। जैसे अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, आप जस्ट देखो 5 बाय 3 क्या होता है, आपने सीखा था कि 5 बाय 3 60 डिग्री के बराबर होता है। आप क्या करो, 60 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 300 डिग्री आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को इग्नोर करो, पाई बाय 3 को देखो, ये होता है 60 डिग्री, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे पाई बाय 3 लिखा है, अगेन 60 है, 60 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करो, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पाई बाय 4 बच्चों होता है 45 डिग्री के बराबर, 45 पे जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 315 डिग्री,
ये कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगेगा आपका, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आसानी से थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि 45 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 315 डिग्री आता है। इसी तरीके से पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150 डिग्री। ये वो तरीके हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो उल्टा अगर आप रिवर्स में जाओ, पाई बाय 6 क्या होता है 30, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करें 330 डिग्री। इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, ये वो तरीके हैं जिससे आप फास्ट अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। बेसिक बातें अगर आपको पता होंगी तो आप आसानी से जो भी बड़े बड़े एंगल्स हैं, ये जो 16-17 एंगल्स हैं, इन्हीं के अंदर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री फैली हुई है। अगर कोई और एंगल है उनको भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। तो अपना हाथ पहले साफ करो इन 16-17 एंगल्स के ऊपर। तुम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे घर में, जब घर में ही हो गए, रिविजन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। 4 महीने रहेंगे तुम लोगों के पास, इतना टाइम ही नहीं है। जब सीख रहे हो तो सही तरीके से सीखो ताकि बाद में नहीं सीख पाओ। 4 महीने आखिरी, तो कोशिश किया करो। जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की बातें तुम लोग को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। अगर तुम लोग का अंदाजा हो जाए, नहीं होगा अंदाजा मुझे पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, तो लाजमी रिवाइज किया करो इसको। ये वो छोटी छोटी बातें थी ये हमने कर ली है। मैं 10.1 सॉल्व करने लगा हूँ। 10.1 के लिए आपको ये भी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जो पहले मैं करवा चुका हूँ, वो जो फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, वो सब आपके ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप आओ तो पार्ट नंबर टोटल 8 पार्ट है, तो मैं बेसिक बेसिक से आपको बातें करवा, मतलब एक सवाल करवा देता हूँ, आप लोग का आइडिया थोड़ा हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 तकरीबन एक जैसे ही है, इतना मसला नहीं होगा। तो बिल्कुल हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, प्रूफ करो कि माइनस साइन थीटा के बराबर। मतलब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हो, उसको इतना सॉल्व करते हो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, करनी है, करनी है, इतनी सिंप्लीफिकेशन कि एंड पे वो बिल्कुल राइट हैंड साइड से मैच कर जाए, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग पिक करते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती, तो आप उसको 1 कह देते हो। फिर आप राइट हैंड साइड पिक करते हो, उसको सिंप्लीफाई करते हो, उसको जो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा ना, उसको आप 2 बोल देना। तो फिर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी आपने सिंप्लीफिकेशन की है और जहां पे आपने रोका होगा उसको, राइट हैंड साइड पे भी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एंड पे वही चीज आएगी जो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए आई थी। तो फिर आप बोल दोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। एक तीसरा तरीका होता है कि आप लेफ्ट और राइट को एक साथ ही लेके चलो, कि लेफ्ट को भी सिंप्लीफाई करते जाओ, राइट को भी सिंप्लीफाई करते जाओ, और इनको एक साथ सॉल्व करना। 3 तरीके नॉर्मली फॉलो हो रहे थे प्रूफ के अंदर, ज्यादातर 2 तरीके ही होते हैं। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि सवाल पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे इस सवाल में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है कि वो बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर आप यही कर रहे होते हैं। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, इस पे वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जो मैंने कल बताया था। कौन सा फॉर्मूला मेंशन कर देना सेंस करके, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा का। लेट कर लो ये पूरी चीज अल्फा है और ये पूरी चीज बीटा है, तो दो आपस में ऐड हो रहे ना एंगल। तो फॉर्मूला क्या था इसका, किसी बच्चे ने याद किया इसका फॉर्मूला अभी तक या नहीं? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक्सीलेंट भाई। तो इस स्टेज पे जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले आप लोगों के फिंगर टिप पे होने चाहिए, बहुत काम की चीज है, सब याद होने चाहिए आपको। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अल्फा आप बोल दोगे 180 को, बीटा आप बोल दोगे थीटा को, तो क्या बनेगा, साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। फिर फॉर्मूला कहता है कॉस बीटा, कॉस बीटा यहाँ पे क्या है थीटा के बराबर, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ जाएगा। फिर है साइन बीटा, बीटा यहाँ पे अगेन क्या है थीटा के बराबर। तो जस्ट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, वैसे यहाँ पे पहले साइन है फिर कॉस है, यहाँ पे पहले कॉस है फिर साइन है, और अल्फा बीटा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर आपको चीजें नहीं आती होंगी फिर कैलकुलेटर यूज करोगे, तो भाई कैलकुलेटर से निकल आओ। वैसे ही आपको पता होना चाहिए साइन 180 डिग्री जो है ये 0 के बराबर होता है, अच्छा कॉस 180 डिग्री जो है ये -1 के बराबर होता है। अगर नहीं पता तो चलो यूज कर लेना कैलकुलेटर।
ये वाली पूरी चीज खत्म हो जाएगी, माइनस को साइन से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड को इतना सिंप्लीफाई किया है कि वो किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, ये आपकी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सवाल आपका पूर्ण हो गया। ठीक है, यही काम करना है आपने बाकी इन सवालों में भी। अच्छा, साइन कॉस में तो आपको मैंने बता दिया, साइन कॉस में आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, अगर कॉस का आ जाता तो आप कॉस अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा का लगा देते। साइन और कॉस के अलावा अगर मौजूद है, जैसे टेंजेंट है, कॉट है, तो इनके भी अल्फा फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको याद हो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का भी फॉर्मूला था, कॉट अल्फा प्लस बीटा इनका फॉर्मूला भी था, लेकिन अगर आप इन फॉर्मुलों को ना लगाओ तो फिर भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो मैं कहता था आपको टेंजेंट का आप लोग कर लेना पार्ट नंबर 3 में, कॉट का एक सवाल करवाता हूँ, कॉट पार्ट नंबर 6 में आपको करवाता हूँ। लिखा मैं कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये सवाल लिखा मैंने। चलो तो ये सवाल करते हैं। अब कॉट का फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन आपको कॉट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, जरा वो देख लेते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले फिट करो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों अगर आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट है वो रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। तो कॉट के दो फॉर्मूले आप लिख सकते हो, कॉट को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, या कॉट को आप इस तरह भी लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब उल्टा होता है टेंजेंट के। तो आप कॉट का ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे कि कॉट किसके बराबर होता है, कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, ये चीज मैंने लगा दी। तो यहाँ पे मैं कॉट का फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, कोई मसला नहीं है, वो यूज कर लो, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है ना आपको, तो बेहतर आप इस कॉट को कन्वर्ट कर लो कॉस अपॉन साइन में, लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। सिंपल, जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो अब आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ज्यादातर जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना वो साइन कॉस के यूज होते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, या फिर अगर कह लो टेंजेंट का यूज हो जाता है, बाकी कॉट शॉर्ट इनके नहीं फॉर्मूले यूज होते हैं। तो फॉर्मूले मेंशन कर दो ताकि कोई एरर ना हो। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है, एक तो अल्फा माइनस बीटा वाला यूज करना है, तो ये तो फंडामेंटल लॉ है, अगर इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या होगा साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दो फॉर्मूले जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो न्यूमिरेटर में आपका अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा सेम ही है ऊपर नीचे, जाहिर सी बात है सेम ही होगा क्योंकि एंगल एक ही है ना। तो कॉट जैसे आपने यहाँ पे देखा था, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, और जो यहाँ पे थीटा है ऊपर नीचे वही थीटा होगा ना, तो अल्फा बीटा आपका सेम है। अल्फा यहाँ पे क्या है, लेट कर लो ये पूरी चीज अल्फा है 270 डिग्री, और बीटा यहाँ पे क्या है थीटा के बराबर। जरा फॉर्मूला पुट करते हैं इस पे, जरा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा पहली टर्म हो गई, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपने पूरा कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। फिर आप डिनोमिनेटर में आओ, नीचे आपको साइन का लगाना है, साइन का फॉर्मूला क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर फॉर्मूला कहता है माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगेन अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लो, अगर याद है तो बेस्ट बात है यार। मैंने बताया ये एंगल्स इतने कॉमन है कि हर दफा आएंगे आपके पास, तो एक ही हल है याद कर लो ताकि फ्यूचर में भी काम आ जाए, क्यों कैलकुलेटर के पीछे पड़े रहो। तो कॉस 270, क्योंकि 270 वाई एक्सिस पे होता है तो कॉस 0 होगा डेफिनेटली, प्लस साइन 270 जो है माइनस वन हो जाएगा। अच्छा साइन 270 अगेन, अभी आपने पढ़ा साइन 270 माइनस हो जाएगा, और कॉस 270 अगेन 0 हो जाएगा। अब मैं खुद करता, आप लोग कहते हैं सर पता नहीं कहाँ से लिखने, मैंने आप लोगों को पूरी टेक्निक बता दी, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह आप लोगों को भी आ जाएगी बात।
ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगी टर्म, ऊपर बचेगा माइनस साइन थीटा, नीचे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, टेंजेंट थीटा बच रहा है। कैसे आया टेंजेंट? क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। तो देखो बिल्कुल आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो नेक्स्ट टाइम में आप लिख दो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, कोई सवाल इसमें तो पूछ लो। अच्छा, कोई ऐसे सवाल है जिसमें सैक और कोसैक लिखा हुआ है? जैसे अगर आप देखो कुछ पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 में कोसैक और सैक लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपके पास सवाल है कोसैक का, सवाल है कोसैक 360 माइनस थीटा, तो भाई सिंपल लैंग्वेज में पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप कोसैक को कन्वर्ट कर लोगे साइन में। कोसैक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो सिंपल इसको इस तरह लिख दोगे, तो कोसैक बराबर होगा 1/साइन के। और फिर साइन का वही फॉर्मूला लगाओगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये काम आपने पार्ट नंबर 8 के अंदर भी करना। देखो ये जो सवाल लिखा है ना, इस सवाल को तो एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन अगर सवाल क्लियर हो जाए ना फिर वो तरीका मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं आपको एक बेसिक तरीका करवा रहा हूँ जो कि हर सवाल पे वैलिड है, वरना इस सवाल को ना आप आसानी से फॉर्मूले में बंद भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ना, यही फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, बस थोड़े डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको इस तरह रखो, ये जो टर्म है ना इनको आप इस तरह लिख दो, अगर बिल्कुल कॉस 150 और साइन 300, अगर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दो, मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ऑर्डर का मसला नहीं है, कॉस उसके लिख दिया, साइन उसके लिख दिया, और इस वाले टर्म को एज इट इज लिखो, तो वो फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वेयर अल्फा यहाँ पे क्या है 150 और बीटा क्या है यहाँ पे 300। तो अगर आप इसको देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे 150, बीटा यहाँ पे 300 है, तो 150 प्लस 300 क्या हो जाएगा 450 के बराबर। तो आपका सवाल सिंपल हो जाएगा साइन 450। उस तरह भी सवाल हो सकता है, लेकिन हर दफा ये चीज होगी नहीं। बिल्कुल ये पुरानी बुक में जब सवाल होता था तो यहाँ पे ना ये चीज आती थी, कॉस 600 डिग्री आता था। तो अगर बिल्कुल एंगल चेंज हो गया तो फॉर्मूला नहीं आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो फॉर्मूला जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो अब हम क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई मैं आपको बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ जो इस वाले सवाल में भी लगेगी और जो बुक में लिखा हुआ है ये वाला सवाल इसमें भी लगेगी। तो जरा बेसिक टेक्निक को समझ लो पूरी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने सवाल में सिंपली बोला है कि एवेल्युएट करो। एवेल्युएट का मतलब इसकी वैल्यू मालूम करो, लेकिन पेपर में जब सवाल आता है तो लिखा होता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू नहीं मालूम करो इसको, कैलकुलेटर के यूज किए बगैर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अभी कैलकुलेटर यूज किए बगैर वैल्यू कैसे मालूम करोगे? गौर से सुन लो जो बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात है। सबसे पहले आपने देखना है एंगल आपका 360 से कम है या ज्यादा है, बेसिक बात ही है। अगर आपका एंगल 360 से ज्यादा है उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, 360 से अगर कम है उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो अगर आप अभी देखो सारे एंगल 360 से कम है तो जरा तरीका देखते हैं क्या करेंगे हम। 360 से कम जो भी एंगल होगा आपने क्या करना है, आपने उसको ब्रेक करना है किस में, 90 डिग्री में, 180 में, या 270 में, या 360 में, इस तरीके से आप ब्रेक करोगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 150 है ना, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर देता हूँ, इसको लेट ना कर लें, चलो मैं दोबारा कॉपी करता हूँ इसको और फिर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, साइन कॉस 300 प्लस साइन 300 कॉस 150, और अब इक्वल के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो इसको सॉल्व करने का, फॉर एग्जाम्पल साइन 150 डिग्री लिखा हुआ है, अब कैलकुलेटर के बगैर साइन 150 डिग्री आप नहीं मालूम कर सकते। अब आप चोरी छुपे 150 मालूम कर लोगे, तरीका गलत माना जाएगा। कैलकुलेटर के बगैर हम कैसे, मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि जो कैलकुलेटर यूज करते हैं ना हम, ये कैलकुलेटर यूज ही उस वक्त करते हैं जब एंगल उन 16-17 के अलावा हो। तो 16-17 मैंने आपको एंगल बताए थे ना, उसके अलावा अगर कोई एंगल लिख लेंगे, जैसे 42 लिखा हुआ है, साइन 58 लिखा हुआ है, तो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, वरना कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी पुराने टाइम में। अब तो हमारा बच्चा बेवकूफ है, वो तो हर एंगल कैलकुलेटर से कर रहा होता है, लेकिन जो असल मैथ थी उनमें जो 16-17 एंगल्स आपके हैं 360 के अंदर अंदर, जो 16-17 मैंने बताया, इनके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, आप इसको वैसे ही निकाल सकते हो। कैलकुलेटर की जरूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब आपको कोई 45 के बजाय 48 आ गया या 52 आ गया, तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ती है, तो वो अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेटर लगा के आसानी से आपको आंसर दे देता है। तो अब 150 को आप ब्रेक करो, वही मैंने बताया 90, 180, 270 या 360 में। तो 150 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो आसानी से, वरना तो खैर और भी शायद हो सकती है पॉसिबिलिटी। किस तरीके से करोगे, सबसे आसानी क्या होगी, आप 150 को लिख सकते हो 180 माइनस 80, या 180 को आप ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस 60। दोनों केसेस में अगर आप देखो मैं जो ब्रेक कर रहा हूँ जिन एंगल्स में, उन सब पे मुझे वैल्यूज पता है।
आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा ब्रेक नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो यहाँ पे 190 माइनस 40, ये भी 150 होता है, लेकिन क्या 190 में वैल्यू पता है आपको? नहीं। क्या 40 में पता है? नहीं। तो फिर क्यों ब्रेक कर रहे हो ये? तो आपने अपनी तरफ से कुछ भी ब्रेक नहीं कर देना। या अगर आप 150 को ब्रेक कर दो इस तरीके से, 120 प्लस 30। अब ये वाली ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि 120 पे भी आपको पता है, 30 पे भी पता है, लेकिन ये ब्रेक हम क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब आपको मिलेगा 10.2 के अंदर। माना ये ब्रेक करके भी आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये ब्रेक करेंगे नहीं। हम किस में ब्रेक करेंगे? या तो 180 आए, या 90 आए, या 270 आ रहा हो, या 360 आ रहा हो, हम उस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इस एंगल को आप 180 और 90 की फॉर्म में कर सकते हो, 270 और 360 की फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर 270 में करोगे तो इस तरह करोगे, तो इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है आपको? 270 डिग्री, 120 डिग्री सेंस नहीं बना रही है ना। तो बेहतर है आपने देखना है कि 150 किन दो के दरमियान है, 90 और 180 के दरमियान है। तो फिर आप इसको दो तरीके से ब्रेक करो, या तो 180 माइनस 30 करो, या 90 माइनस 60 करो। इसी तरीके से ये 300 लिखा हुआ है। अब अगेन 300 को ब्रेक करने के दो तरीके होंगे। 300 किसके दरमियान है? 270 और 360 के दरमियान। तो या तो 300 को आप लिख सकते हो 270 प्लस 30, या 300 को आप लिख सकते हो 360 माइनस 60। ठीक है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पहला आपका एंगल जो है ना वो 90, 180, 270, 360 होना चाहिए। अभी इसकी आपको रीजन ऐसे समझ नहीं आ रही, आप कहोगे सर ये वाली टेक्निक भी काम कर रही है, लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको अपने पास नोट कर लो, चैप्टर नंबर 10.2 में आपको बात समझ आएगी कि मैं क्यों 180, 90, 270 और 360 को प्रेफर कर रहा हूँ, क्या वजह है कि मैंने प्रेफरेंस करने की। ये बात आपको वहां अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, आपने देखना कोई भी एंगल किसके दरमियान है, आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बुक में? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये दो ही किस्म के एंगल है ना, 360 से कम करना है। मैं चाह रहा हूँ कोई और एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूँ। बिल्फर्ज अगर 225 आ जाए, ठीक है, तो 225 का एक मैंने तरीका तो आप लोगों को बताया ना, डायरेक्ट तरीका जो है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेफरेंस एंगल बनाओ पूरा, लेकिन आपको स्टेप्स चाहिए इस वाले मेथड से आपको निकालना है। इस वाले मेथड का मतलब बेसिकली आप एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, छोटी छोटी दो टर्म्स के अंदर, और फिर वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हो। तो इसके स्टेप्स आप कैसे करोगे, प्रॉपर स्टेप्स कैसे होंगे कि 125 को आप ब्रेक करोगे 180 प्लस 45 में, इस तरह भी ब्रेक कर सकते हो, या इसको लिखो 270 माइनस 45, इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका आंसर भी 225, इसका आंसर भी 225, मर्जी कर लो कुछ भी। इसी तरीके से आप लोगों ने एक ब्रेक करके देना मुझे कि अल्फाज आपके पास आ जाए 135। बताओ इसको कितने तरीके, मतलब क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं इसको, जल्दी बताना या टाइम लगा देना इसके ऊपर थोड़ा। 90 प्लस 45। सही है, और कोई दूसरा बताओ, कोई और स्टूडेंट बताना। 180 माइनस 45। शुक्र अल्लाह का। तो आप इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, एक होगा 90 प्लस 45 और एक होगा 180 माइनस 45। सब रीजन आपको समझ आ जाएंगी बाद में कि क्यों इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। बेसिकली आप 180, 90, 360, 270 जा रहे हो, काफी बातें हो गई। अच्छा बिल्कुल, अगर यहाँ पे एंगल आपका कोई ग्रेटर है 360 से, तो अब हम क्या करते हैं, ये पुरानी बुक में सवाल हुआ करता था कॉस 600 की वैल्यू निकाला करते थे। वैसे तो 600 की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो मैंने टेक्निक आप लोगों को बताई थी वो टेक्निक बता देता हूँ मैं कैसे। 90, 180, 270, 360, फिर मजीद 90 ऐड करो 360 में, ये हो जाएगा 450, 540, और यहाँ पे होगा 630। लेकिन मुझे 630 नहीं जाना, मुझे 600 तक जाना है, तो मैं 30 डिग्री थोड़ा ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पे, ये है 600। मैं तो निकाल सकता इस तरीके से, मैंने क्या किया, बस मैंने 600 ड्रॉ किया, एक रेवोल्यूशन पूरी 360 होती है, फिर 360 में 90 ऐड करो 450, फिर 90 ऐड करो 540, फिर जब 90 ऐड करोगे 630 होगा, लेकिन आपको 600 निकालना है, तो 30 डिग्री पहले आ जाओ। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल है, तो कॉस 600 बराबर हो जाएगा कॉस 60 के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है। तो मुझे तो इसकी शॉर्ट टेक्निक पता है, लेकिन आपने ये नहीं लगानी, अगर पेपर में सवाल आ रहा है तो आपने फिर वो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो अब इस पे आप कैसे लगाओगे, क्योंकि ये एंगल 360 से ग्रेटर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है जिसको अभी आप लोग पढ़ोगे, इसको एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड का। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये पीरियडिक फंक्शन आप इनको बोलते हो,
इसका मतलब ये होता है कि कुछ अरसे बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 0 डिग्री पुट करो या 360 डिग्री पुट करो, आंसर सेम ही होगा। कॉस 0 और कॉस 360 डिग्री आंसर सेम, साइन 0 डिग्री साइन 360 डिग्री आंसर सेम, हर 360 के बाद आंसर सेम आता है। इसी तरह 360 के अंदर दोबारा 360 ऐड करो 720, अगेन वैल्यू रिपीट करेगी। जैसे जो वैल्यू साइन की होगी 0 डिग्री पे वही साइन की वैल्यू होगी 360 पे, वही साइन की वैल्यू होगी 720 पे। आप 360 डिग्री एंगल में ऐड करते जाओ, वैल्यू रिपीट करती जाएगी। ठीक है, इसी तरह को और एग्जाम्पल ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो साइन 30 पे वैल्यू होगी ना वही वैल्यू होगी कि अगर आप 30 में 360 ऐड कर दो, 390 बनेगा ना। तो देखना साइन 390 और साइन 30 बराबर होते हैं, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना। तो कहने का मतलब जो भी एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो अगर मैं उसके अंदर 360 डिग्री ऐड करूंगा तो वो वैल्यू रिपीट कर रही होगी। यही वाली टेक्निक आपने यहाँ पे लगानी है कि 600 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 600 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 360 की फॉर्म में करूँ कि 600 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 360 प्लस 240। ठीक है, 600 को कैसे लिख सकता हूँ 360 प्लस 240। तो बच्चों जो वैल्यू कॉस की 240 डिग्री पे होगी ना वही वैल्यू इस पे होगी। इस बात को मेरी समझो, क्योंकि आप लेवल थोड़ा आप लोगों का अपने वाला है, वो छोटी छोटी बातों से निकल आओ। कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कॉस 240 की वैल्यू बताऊं, तो जो कॉस 240 की वैल्यू होगी ना वही वैल्यू होगी कि अगर मैं 240 के अंदर 360 को ऐड कर लूंगा, सेम वैल्यू होगी। क्योंकि 360 ऐड करने पे वैल्यू आपकी रिपीट होती है। जो 240 पे है वही 240 के अंदर अगर आप 360 ऐड करो सेम वही वैल्यू आपको मिलेगी। कॉस की वैल्यू 240 पे अगर आप निकालो ना तो -1/2 आती है। तो सेम आप कैलकुलेटर में कॉस 600 पुट करो तब भी -1/2 आएगी, क्योंकि 360 ऐड करने पे वैल्यू रिपीट करती है। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, पूरी चीज बराबर है 240 की। एक कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 240 के बराबर है। चाहो तो इस पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का लगा लेना। आप लोग की बुक में है नहीं, लेकिन बिल्कुल अगर कहीं पेपर में सवाल आए तो यहाँ पे ये ब्रेक करने के बाद ना आप अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना। तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 360, बीटा यहाँ पे हो जाएगा 240। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखना एंड पे जो पूरा फॉर्मूला लगाओगे ना एंड पे आपके पास आंसर आ रहा होगा कॉस 240। ठीक है, तो अब दोबारा बताता हूँ क्या मैं बात बताना चाह रहा हूँ, कि अगर 360 से ग्रेटर आपके पास एंगल आएगा तो आपने उसको 360 के फॉर्म में ब्रेक करना है। अगर बिल्कुल आपके पास आ जाए 405 डिग्री, तो क्वेश्चन बता सकते हैं मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा। थ्री सिक्सटी प्लस 45। एक्सेलेंट भाई, इसको आपने ब्रेक करना है 360 प्लस 45। फिर आप चाहो तो वही अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मल लगा देना, क्योंकि बुक के मेथड भी फॉलो करते हैं। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि वैल्यू रिपीट कर ली होगी आपकी। तो अगर जो 45 पे वैल्यू होगी वही 45 प्लस 360 पे होगी, और अगर आप ये फॉर्मुले से निकालोगे तब भी आपको बात वेरीफाइड मिल जाएगी। तो 360 से बड़ा आएगा तो उसको ब्रेक करने का तरीका होगा, हर दफा ये तरीका होगा। और अगर कुछ 720 से ग्रेटर है तो ये आपकी बात है कि बिल्कुल आपके पास आते 750 डिग्री। अब ये 720 से भी ग्रेटर है तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे 720 प्लस 13। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज है इसको छोड़ दो। सर तो मैंने आप लोगों को बता दी दोनों तरीके कि अगर 360 से कम आएगा तो किस तरीके से आप लोग ब्रेक कर रहे होंगे, और अगर 360 से ग्रेटर आएगा तो हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे। अब जो सवाल है उस पर आ जाते हैं। चलो बच्चों वही काम करो जो हमने सीखा है, साइन 150 को आप ब्रेक करो। अब आपकी मर्जी, आप किसी में ब्रेक कर सकते हो, 180 माइनस 30 में करो या 90 प्लस 60 में करो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा दो एंगल्स को। जो चार मैंने बताया ना 90, 180, 270, 360, इन चार में भी मैं प्रेफर करूंगा 180 और 360 को। वजह आपको बाद में पता चल जाएगी, प्रेफर करने की बात करूं जरूरी नहीं है, मैं प्रेफर करूंगा, मना आप कुछ भी चाहो करो। तो 150 को मैं ब्रेक करूंगा 180 माइनस 30 में। अच्छा जी, कॉस 300 को मैं ब्रेक करूंगा 360 माइनस 60 में। अच्छा जी, फिर बचा प्लस साइन 300, साइन 300 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, अगेन वही 360 माइनस 60। और फिर कॉस 150 को मैं ब्रेक करूंगा 180 माइनस 30। ये ब्रेक करने के बाद इन सब पे आप फॉर्मूला लगाओगे साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो भी फॉर्मूला बन रहा होगा। अभी सब पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको चार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा के जो फॉर्मूले ना साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो फॉर्मूले आप यहाँ पे अप्लाई करोगे।
अब इसका एक इजी तरीका भी होता है जो आप लोग 10.2 में करोगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वो इजी तरीका डिपेंड करता है यार देखो सवाल किस टाइप का आ रहा है। अब इससे आगे जो मैं गुफ्तगू करूंगा ना उसका मुझे कुछ पता नहीं है कि पेपर चेक करने वाला क्या डिमांड कर रहा है आपसे। बुक अगर ये 10.1 में आया हुआ है तो इसमें मेथड हम अलग यूज कर रहे हैं, 10.2 में अलग यूज कर रहे हैं। 10.2 में काफी इजी वाला मेथड है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका आंसर यहाँ से। लेकिन अब मसला होता है सवाल पे देखना पड़ेगा आपको, अगर पेपर में सवाल आ रहा है 3 नंबर के अंदर ये वाला सवाल और आप इसको 2-3 स्टेप में कर रहे हो नंबर काटेगा अगला आपका। और अगर सवाल आ रहा है बिल्कुल बीच में कोई आप बड़ा सवाल कर रहे हो उसके अंदर ये छोटी सी चीज आ रही है तो आप इस पर डायरेक्ट टेक्निक लगा देना जो मैं 10.2 में सिखाऊंगा। तो आपको थोड़ा कुछ स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे यूज करना है। मैं अगर आपको बोल दूँ कि हर दफा फॉर्मुला यूज करना है तो एक बड़े सवाल में आप फॉर्मुला यूज करोगे सवाल और बड़ा हो रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए आपको खुद थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखना है कि कितने नंबर का सवाल है उसके मुताबिक आपको सब अपनी वर्किंग करनी होगी, ठीक है? तो बिल्कुल अभी तो आपने वो टेक्निक नहीं पढ़ी ना, अभी तो आपके पास एक ही हल है कि आपको फॉर्मुला यूज करना है। तो जरा देखो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मुला मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि लेवल अब आप लोगों का थोड़ा अप हो गया, फॉर्मुले आप लोगों को याद हो गए होंगे उम्मीद है। अब डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, इस पे आपने अप्लाई करना है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो कर देते हैं अप्लाई। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन अल्फा लेट कर लो ये चीज अल्फा है और लेट कर लो ये चीज बीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा 180 डिग्री कॉस बीटा। फिर फॉर्मूला कहता है कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका काम हो गया। फिर अब इस पे आप अप्लाई करो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, अप्लाई कर लेते हैं। कॉस अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा 360 डिग्री है, बीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा दरमियान में आएगा प्लस। अब जो बाकी दो टर्म है उस पर फॉर्मूला अप्लाई करो, अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, अल्फा 360 है बीटा 60 है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। अब बाकी टर्म है अगेन कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो जो मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं। साइन 180 डिग्री बच्चों कैलकुलेटर यूज करना चाहो अगर नहीं आता तो यूज कर लेना। साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये चीज 0 है इसकी जगह आप डायरेक्ट 0 ही कर दो, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये वैल्यू 0 है तो इसकी कुछ भी वैल्यू हमें से क्या करनी है। इसी तरीके से अगर आप कॉस 180 पे आओ तो कॉस 180 क्या होता है, -1 के बराबर, तो कॉस 180 की जगह मैंने -1 लिख दिया, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 के बराबर। अब इस ब्रैकेट पे आओ, कॉस 360 बच्चों होता है 1 के बराबर और कॉस 60 क्या होता है, 1/2 के बराबर, ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि साइन 360 डिग्री जो है बच्चों 0 होता है। तो सारी चीजें विदाउट कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो उसके बाद, पेपर वाले को अब क्या पता चलेगा कि आप इसको वर्बली निकाल रहे हो नहीं। कैलकुलेटर इसलिए मना कर रहे थे कि डायरेक्ट आप साइन 150 कैलकुलेटर से ना निकाल लो, इसलिए मना किया गया था। इस पॉइंट पे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो टेक्निक्स बताई मैं उनको सीखो। अगेन साइन 360 बच्चों 0 होता है, 0 हो जाएगा, कॉस 360 जो है ये 1 के बराबर होगा और साइन 60 क्या होता है, √3/2। इसी तरीके से कॉस 180 क्या होता है, -1 के बराबर और कॉस 30 क्या होता है, √3/2 के बराबर, और अगेन साइन 180 क्या होता है, 0 के बराबर, तो इग्नोर कर दो इसको। अब वक्त है सिंप्लीफिकेशन का, माइनस माइनस पॉजिटिव तो ये 1/2 हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, और 1/2 को 1 से करो तो 1/2, तो 1/2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर दरमियान में आएगा पॉजिटिव, माइनस को 1 से करो -1, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -√3/2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, अगेन ये भी क्या है, -√3/2, सही है? 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/4, माइनस माइनस पॉजिटिव, √3 को जब बच्चों आप लोग √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ 3 आंसर आता है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 ये सिंपल 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे लो 4, 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4 के बराबर, 4/4 क्या है, तो आपको वैल्यू मालूम करने का बोला गया था और वैल्यू उसकी क्या 1 के बराबर, इस तरीके से आप निकालोगे।
पार्ट नंबर टू जो है ना, cos 19 cos 11। अब वो देखो ब्रेक करके नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखता हो cos 19 निकालो, तो ब्रेक करके आप कैसे निकालोगे? अगेन मैंने बताया हर एंगल जो है वो आपका नहीं निकल सकता। जो 16-17 एंगल है वही आप कैलकुलेटर के बगैर निकाल सकते हो, बाकी आप नहीं निकाल सकते। जैसे 150, 300 इनको आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर के बगैर ब्रेक करके, या जो मैंने रेफरेंस एंगल वाली टेक्निक बताई है। लेकिन 19 डिग्री कैसे निकालोगे? अगर आप कहोगे सर इसको ब्रेक कर देते हैं हम 30 माइनस 11 में, तो सवाल है कि जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos 11 क्या होगा? cos 11 तो मुझे पता ही नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर मैं निकाल ही नहीं सकता cos 11। तो यहाँ पे ब्रेक करने वाली टेक्निक भी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैलकुलेटर के बगैर कैसे किया जाएगा? मैं पार्ट टू की बात कर रहा हूँ, छोटा सा इसलिए मैं ऊपर बता रहा हूँ। पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ था इसकी वैल्यू निकालो। सही फॉर्मूला में क्लोज हो सकता है ना? हाँ, मैं वही वही बता रहा हूँ यार। इवन ये सवाल भी फॉर्मूले में क्लोज हो सकते हैं। मैंने अभी बताया ये है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। आप इस सवाल को इस तरह कर सकते थे, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सवाल था पूरा। फिर आप इसको ऐड करते हैं, ये क्या हो जाता 450 डिग्री। 450 डिग्री को मैंने कैसे बोला सॉल्व करने का, हो जाता 360 प्लस 90 में। इसको सॉल्व करते हैं, इवन 10.2 की अगर आप टेक्निक निकालते बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता। या आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मैं मसला वही, मैंने पहले भी बात बोली है कि मुझे नहीं पता पेपर में कौन सा सॉल्यूशन करना है। मैं आप लोगों को वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि पेपर मैंने चेक करना होता, मैं इसको भी सही कहता, मैं इसको भी सही कहता। आप 10.2 की टेक्निक यूज कर लो, मैं इसको भी सही कहता, लेकिन मुझे नहीं पता पेपर में चेक करने वाला क्या डिमांड कर रहा है। यहाँ पे सिस्टम होता है, तो आपको वो सॉल्यूशन करना है जो जिसको कोई गलत कर ही नहीं सकता। 100 चक्कर भी उठा दो कोई गलत नहीं कर सकता। अभी रियलिटी है, मैं क्या जवाब दूँ उसका? मैं टीचर से ग्रुप में ऐड हूँ, वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। जैसे अभी रिसेंट एक सवाल पूछा गया है, वो एक और सवाल था आज क्लास में होगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो उनको खुद नहीं पता। वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या ये कोई मसला तो नहीं होगा, वो कह रहे हैं नहीं मसला नहीं होगा, सही है। लेकिन मुझे क्या पता मसला करें नहीं करें, तो इसलिए मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाया कि ये प्रॉपर सोल्यूशन है जो फॉर्मूला अप्लाई करके आया, इसमें कोई मिस्टेक निकाल ही नहीं सकता। और दूसरा आपने खुद देखना है, थोड़ी सेंस इस्तेमाल करनी है। अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आ रहा है तो आप इस पर बड़ी वाली टेक्निक क्यों लगा रहे हो? जो आपने छोटी वाली कोई सीखी होगी वो छोटी वाली लगा देना। जैसे अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आ जाए किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, अभी तो आपके पास कंप्यूटर लाओ है ना, किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आ जाए जिसमें आपके पास कंप्यूटर लाओ नहीं है, तो मैंने आप लोगों को वो टेक्निक बताई भी है ना रेफरेंस एंगल वाली, कि 150 पे कैसे निकालना है, 300 पे कैसे निकालना है। डायरेक्ट डायरेक्ट निकालो वैल्यू, इतनी लंबी करके टाइम क्यों जाया कर रहे हो? तो आपको देखना है कि सवाल कितने नंबर का आ रहा है, कहाँ पे सवाल आ रहा है, एमसीक्यूज में आ रहा है, किधर आ रहा है, उसके मुताबिक थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तभी मैंने झूला बोला था कि थोड़ा स्मार्ट बन के करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें कोई और हल नहीं है ना, मैं रेफरेंस एंगल वाली टेक्निक यहाँ पे लगा सकता हूँ ना, मैं इसको इसमें ब्रेक कर सकता हूँ। इसका एक ही हल है कि मैं इसको फॉर्मूले में बंद कर दूँ। किस तरीके से? कि ये बिल्कुल फॉर्मूला है, इसको आप अगर अल्फा लेट कर लो और इसको बीटा लेट कर लो, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूरा ये। आप इसको एक्सपेंड करना, ये चीज आ रही है। और ये स्पेसिफिक उन्होंने वैल्यूज दी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह 12 कर दूँ, नहीं कर सकते सवाल सॉल्व। क्यों? ये हो जाएगा 19 प्लस 12। 19 प्लस 12 क्या होता है? 31। cos 31 कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते, कैलकुलेटर के बगैर नहीं निकाल सकते। अप्रोक्सीमेशन करनी है और वो कैलकुलेटर करेगा, तो हल्का सा भी अगर चेंज हो जाएगा सवाल फंस जाएगा आपका। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो सवाल आपको ऐसे ही देंगे, तो इसको ब्रेक कर दिए फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये सवाल वैसे आएगा नहीं क्योंकि बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है कि cos 75 की वैल्यू निकालो, देखते हैं कैसे निकालते हैं। और पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है cos 180 प्लस 45, cos 180 माइनस 45 = 1/2 आपको प्रूव करना है। तो पार्ट 2 तो आप लोग ट्राई कर लेना, cos 180 प्लस 45 पे फॉर्मूला लगाना cos अल्फा प्लस बीटा का, और 180 माइनस 45 पे लगाना cos अल्फा माइनस बीटा का, और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना, देखना 1/2 आ रहा होगा। तो ये तो कर लेना आप लोग, पार्ट 1 में आप लोगों को करवा देता हूँ। प्रूफ करना है आपको कि cos 75 डिग्री बराबर है √3 - 1/2 √2। अब ऐसी वैल्यूज कैलकुलेटर में नहीं आ सकती, कैलकुलेटर जब भी देगा ना वो उसको सिंप्लीफाई करेगा, डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं देता कैलकुलेटर। बार अब देखो, अब ये चीज आपने जैसे cos sin 45 है, sin 45 की ये वैल्यू भी होती है और ये भी होती है, ये एक ही वैल्यू है, अलग नहीं है। sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 भी हो सकती है या √2/2 भी हो सकती है। कैलकुलेटर में जब भी आप sin 45 निकालोगे कैलकुलेटर यही देगा,
क्योंकि कैलकुलेटर का एल्गोरिथम मैथ के रूल्स को फॉलो करता है कि डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो ये वैल्यू नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, ऊपर आ जाएगा रूट टू, और रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू ये टू के बराबर हो जाएगा, तो वो ये वैल्यू देगा आपको, क्योंकि कैलकुलेटर रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अब देखो मुझे जो प्रूफ करनी है ना चीज, उसमें देखो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो अब अगर मेरे पास कोई वैल्यूज आएंगी ना sin 45 या cos 45 की, तो मैं ये वाली इस्तेमाल करूंगा, 1/√2 वाली। अगर आप ये वाली इस्तेमाल करोगे ना वैल्यू, तो मसला एंड पे होगा कि आपका डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करोगे तो फिर कहाँ से लाओगे रूट वाली टर्म। ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी बातें बच्चों, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड है cos 75 डिग्री। cos 75 कैसे निकालोगे, हमने टेक्निक सीखी हुई है। अब देखो 75 को ब्रेक करने के कितने तरीके हैं, कोई स्टूडेंट बता सकता है कितने तरीकों से ब्रेक कर सकता हूँ? उसको ब्रेक 45 करना प्लस चाहिए क्या? 30 थर्टी 35 प्लस 30, 45 प्लस 45 थर्टी, प्लस 30 इसका एक ही तरीका है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहो 90 माइनस 15 से, तो 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर सवाल आपका फंसेगा वहां पे। निकाल तो सकते हो 15 की भी, 15 को आप लिख सकते हो 30 माइनस 45 माइनस 30, तो 15 की वैल्यू आ सकती है। लेकिन इस सवाल में बेस्ट टेक्निक क्या है, 30 45, क्योंकि 30 पे भी आपको वैल्यूज पता होती है, 45 पे भी आपको पता है। अगर 90 माइनस 15 करोगे, अगेन 15 पे वैल्यू नहीं पता होगी, 15 को ब्रेक करोगे 45 माइनस 30 में या 60 माइनस 45 में, फिर वो दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो बेस्ट हमारे पास तरीका यहाँ पे क्या है कि हम इसको ब्रेक करते हैं 30 प्लस 45 में। अब सवाल अगर छोटा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो फॉर्मूला, अगर सब बड़ा सवाल होता है तो फॉर्मूला मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कितने फॉर्मूला मेंशन करें। ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, sin α sin β। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या कहता है, cos α cos β माइनस sin α sin β cos 30 √3/2, कैलकुलेटर से निकाल लेना। अब देखो cos 45 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे √2/2 आएगी, फंस गया ना कैलकुलेटर वाली टेक्निक में। कॉन्सेप्ट सीखा हो तो याद होगी कि भाई cos 45 की √2/2 भी लिख सकते हो या 1/√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर मुझे मैच करना है। अच्छा बिल्कुल, अगर आप का जो आंसर आया उसके उसके डिनोमिनेटर में अगर √2 नहीं आ रहा, तो उसका भी हल है कि जब फाइनल आपका आंसर आ जाए, फिर आप उसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं बता दूंगा अगर मुझे मौका मिले, लेकिन अभी फिलहाल मैं बुक के जो आंसर है उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ कि cos 45 होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2, और sin 45 होगा 1/√2। तो ये हो जाएगा बच्चों √3/2√2, और ये हो जाएगा -1/√2। एलसीएम क्या आएगा, √2/√2 आ जाएगा, ऊपर से √3, यहाँ से -1। सवाल बच्चों आपका पूरा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालते हैं, तो कैलकुलेटर यहाँ पे आपको वैल्यू देगा √2/2 की, यहाँ पे वैल्यू देगा √2/2। तो ये √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे √6 हो जाएगा, ये रूट की प्रॉपर्टी होती है, जब सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर की चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 2 4 सेम यहाँ पे हो जाएगा √2/4। आप सिंप्लीफाई करोगे ये सिचुएशन आएगी। अब देखो आप लोग घबरा जाओगे यार, वैल्यूज मैच ही नहीं कर रही, क्यों, कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। अब हम क्या करें वैल्यूज लाने के लिए, आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, यहाँ पे √2 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में किसी तरह √2 लाते हैं, तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना √2 से। अब मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं थी, मैं अगर ये सॉल्यूशन करवाता आप लोग यकीन कर लेते, लेकिन मसला ये होता है मैं अपनी बात को ऐसे रखता हूँ कि हर एंगल से बात कवर हो जाए, कि आपको बाद में कुछ जहन में ना रहे, तो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। अगर कैलकुलेटर यूज करोगे जाहिर सी बात है, इतने नेक तो होनी, तुम लोग वैल्यू याद रखो, यूज करोगे फिर फंस जाओगे, तो मैं हल बता रहा हूँ कैसे हल निकलोगे उससे, कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे वाला √2 तो 4 के साथ लिख देना, ऊपर वाला √2 जब वो √6 से मल्टीप्लाई होगा तो √12 हो जाएगा, √2 को जब आप √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √12 हो जाएगा वो, और √2 को जब √2 से करोगे तो -2 हो जाएगा। अभी भी वैल्यूज काफी अजीब आ रही हैं, इसलिए क्योंकि √12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12 को आप इस तरह लिख सकते हो,
ये प्राइम फैक्टर में हमने बचपन में सीखा था ब्रेक करना, जिसका पेयर बन जाता है उससे आप एक लिखते हो। तो रूट ट्वेल्व को आप इस तरह लिख सकते हो कि टू का पेयर बन गया ना, तो आप टू बाहर लिखो, अकेला कौन है, थ्री अकेला है तो उसको अंदर लिख दो। रूट ट्वेल्व को किस तरह लिखा जा सकता है, टू रूट थ्री। तो मैं यहाँ पे रूट ट्वेल्व की जगह क्या लिख दूंगा, टू रूट थ्री। ये करने के बाद आप ऊपर से टू कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद कैंसिल करो, वही वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें इनको नोट कर लेना ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। अच्छा, आप जरा क्वेश्चन नंबर फोर देखो, इसके सवाल आप लोग खुद करोगे क्योंकि सब इजी सवाल है। कैसे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर फोर के पार्ट नंबर वन में, तो जैसे कॉस 75 किया था सीधा साइन 75 करोगे। फिर लिखा हुआ है टेंजेंट 105। अब टेंजेंट 105 कैसे करोगे, सबसे पहली बात इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे। अब इसको ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि आप कैसे ब्रेक करेंगे, किसी के जहन में आ रहा तो बताओ। भाई सबसे इजी तरीका यहाँ पे ब्रेक करने का ये है कि 105 को मैं ब्रेक करूंगा 60 प्लस 45 में। सबसे इजी तरीका ये है। मुश्किल तरीके भी हैं कि अगर आप 105 को ब्रेक करो उसी टेक्निक में कि 90 प्लस 15, लेकिन 15 पे वैल्यू नहीं पता, फिर 15 पे कैसे वैल्यू निकालोगे, 15 को लिखोगे 45 माइनस 30। तो बेहतर है कि दोबारा आप फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे बेहतर एक ही दफा फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे, कि 105 को आप लिख सकते हो 60 प्लस 45, तेरा फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है तो आपके पास दो तरीके, या तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना, या फिर टेंजेंट को ब्रेक कर देना साइन अपॉन कॉस में, और साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। है 165, क्वेश्चन बता सकते हैं 165 को क्या करें। देखो जब बात 165 तक पहुंच गई है ना, तो अब आप इनको 30, 45, 60 इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि 60 प्लस 60 भी कर लोगे तो 120 होगा, इस फॉर्म में आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो अब 165 को कैसे ब्रेक करें, अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस तरह करता हूँ। 165 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, आप इसको 180 माइनस 15 में कर सकते हो, बल्कि इसी तरह कर लेना, ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे लाजमी एक एंगल ऐसा होगा जिस पे आपको वैल्यू नहीं पता, जैसे 15 पे आपको वैल्यू नहीं पता होती, यहाँ पे आपकी मजबूरी है, यहाँ पे आप 30, 45, 60 इसकी फॉर्म में आप ब्रेक यहाँ पे नहीं कर रहे। तो इस तरह ब्रेक करोगे और इस पर फॉर्मूला लगाओगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो कहीं यहाँ पे फंसोगे, आपको कॉस 15 या साइन 15 इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, कॉस 15 को ब्रेक कर देना कॉस 45 माइनस 30 में, इसी तरह इसको भी ब्रेक कर देना 45 माइनस 30 में, तो यहाँ से आपके पास कॉस 15 या साइन 15 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो दो दफा आपको ब्रेक करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बड़े इजी हैं, ट्राई करना, कहीं फंसो तो मुझसे पूछ लेना, मैं ही हूं, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। अब मेरा आखिरी है 255 डिग्री। अब इसको भी ब्रेक करने के आपके पास तरीके हैं, जैसे मैं डिफरेंट तरीके में ब्रेक कर सकता हूँ इसको। 270 की फॉर्म में अगर आप करना चाह रहे हो उस तरह भी कर सकते हो गया नहीं। हाँ, 270 कैसे ब्रेक करोगे, जगह 270 माइनस 15 इस तरह लिख सकते हो आपका। ठीक है, या दूसरा ब्रेक करने का ये तरीका भी हो सकता है, आप लिखो 180 प्लस 75। एक ही बात है, दोनों तरीकों में आपको दूसरी दफा भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, ना आपको 15 पता है ना आपको 75 पता है, तो 15 निकालने के लिए अगेन यही काम करोगे जो मैंने यहाँ पे सिखाया है, और 75 निकालने के लिए ये वाला काम करोगे जो तो यहाँ पे सिखाया है। तो कहीं ना कहीं आपको करना तो पड़ेगा जाके दोनों तरीकों में। तो आपकी मर्जी, आप इस तरह ब्रेक करो, इस तरह ब्रेक करो, दोनों तरीकों में सॉल्व करो। तो 15 है या 75 है, उसको सॉल्व करने के तरीके मैंने बताए हैं, और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा।